वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 11 स्टेटिस्टिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा उसका पार्ट 2 जो है उसके बारे में डिस्कस करने जाने वाले। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली स्लाइड में आ रहा है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। तो यहाँ पे उसकी तीन मेथड बताई गई है। पहली मेथड जो उसकी है डायरेक्ट इंक्वायरी, दूसरी है उसमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी, और थर्ड मेथड जो है वो मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे डायरेक्ट इंक्वायरी। इस मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर खुद या तो फिर एनुमरेटर्स जो उसके उनके द्वारा अपॉइंटेड किया जाता है, वो पर्सनली जो है फील्ड पे विजिट करता है, वहाँ पे जाके नेसेसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई एक पर्सन जो है वो चाहता है कि डेटा को कलेक्ट करे, और वहाँ पे जो फार्मर है सानंद तालुका जो अहमदाबाद में आया हुआ है, वहाँ की कंडीशन जो है उसके बारे में डेटा कलेक्ट करे, वहाँ पे जाए और उसको सानंद तालुका जाना पड़ेगा, वहाँ पे फार्मर का कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको डेटा मिल जाएगा और उसको जो कंडीशन है वहाँ की वो भी पता चल जाएगी। तो इस तरह से जो वहाँ पे जाके उसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और इस तरह से वो जो डेटा मिला उसको, वो क्या बोला जाता है, डायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है डायरेक्ट इंक्वायरी का एडवांटेज। तो यहाँ पे जो डेटा ऑब्टेन होता है इस मेथड से वो एकदम एक्यूरेट होता है और रिलायबल होता है। दूसरा कि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू जो है वो रिस्पोंडेंट के सामने लिया जाता है। न्यूमरेटर उसमें जो है कोई उसके क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व कर सकता है, उसके डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो उसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है वो उसी टाइम पर दे सकता है। तीसरा यहाँ पर यह है कि कोई पर्सनल इंटरव्यू जब हम न्यूमरेटर जब लेता है तो उसको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो है वो भी, मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, वो भी यूज़फुल रहती है। और इसी टाइम पर जो है उसका इंटरप्रिटेशन करके इनुमरेटर जो है वो फार्मर्स या तो कोई भी चीज़ सामने जो भी इंसान बैठा होगा उनको उसी टाइम पे रिजल्ट दे देगा। फोर्थ यहाँ पे एडवांटेज ये है कि जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी जहाँ पे लिमिटेड रहने वाली है यहाँ पे ये मेथड अप्लाई करेंगे तो जल्दी ये मेथड जो है उससे हम इंक्वायरी पूरी ख़त्म कर सकते हैं, तो ये मेथड वहाँ पे बेटर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसके डिसएडवांटेज डायरेक्ट इंक्वायरी के। तो यहाँ पे ये मेथड जो है उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। दूसरी बात कि अगर न्यूमरेटर जो है वो ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ेगी अगर फील्ड ऑफ इंक्वायरी ज़्यादा रहेगी, और ये मेथड जो है वो मोर एक्सपेंसिव भी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये मेथड जो है लेस रिलायबल रहेगी, लेस भरोसे के लायक रहने वाली अगर न्यूमरेटर जो है वो अनट्रेनड रहेंगे, मतलब जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है वही अगर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ेगा तो फिर इस मेथड का कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इनडायरेक्ट इंक्वायरी, उसका पहले मीनिंग बताया गया है। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन जो है बनने वाली, कोई भी सिचुएशन बन सकती है जब इन्वेस्टिगेटर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या तो पर्सन का कांटेक्ट करता है जो ऑलरेडी इंक्वायरी उसने जो है कैपेबल है वो कंडक्ट करने के लिए, और उससे उसको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या तो उस पर्सन के बारे में। फिर वो क्या करता है कि यहाँ पे उसके जो फीचर्स जो है वो यहाँ पे बताई गई है इनडायरेक्ट इंक्वायरी के बारे में कि वो कैसी हो सकती है। तो जहाँ पे डायरेक्ट सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है या तो फील्ड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी जो है उसकी बहुत बड़ी होती है, वहाँ पे टाइम की कमी होती है और पर्सनल कॉन्टेक्ट करना जो है वो मुश्किल रहता है। तीसरा यहाँ पे ये बताया कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो एकदम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, जो कॉस्ट एसोसिएट होता है डायरेक्ट इंक्वायरी के कंपैरिजन में वो अनबेरेबल रहता है, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही जो है वो रहने वाला है, तब ये वाली मेथड जो है वो अप्लाई की जाती है। तो इस तरीके से जो हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाले हैं और ये एक जो वे है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है यहाँ पे इनडायरेक्ट इंक्वायरी का एग्जांपल। तो यहाँ पे आगे जो हमने एक इलस्ट्रेशन देखा था उसमें पर्सन जो था वो उसको इंफॉर्मेशन जो उसने कलेक्ट की थी सानंद तालुका की, और वो अब ऐसा पर्सन यहाँ पे है जो सानंद तालुका में जो फार्मर है उसके पास ना जाते हुए, मतलब उसके घर पे ना जाते हुए डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, तलाटी जो है सानंद तालुका का उसके पास जाता है और वहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। और उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, सभी के घर पे नहीं जाना पड़ेगा और पूरी डिटेल पूरी इंफॉर्मेशन तो वो तो डायरेक्टली तलाटी जो मंत्री बैठा होगा उसे निकाल लेगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल उसका दिया हुआ है इनडायरेक्ट इंक्वायरी का, क्योंकि इस तरीके से जो डेटा वो कलेक्ट करेगा उसको क्या बोला जाएगा, इनडायरेक्ट इंक्वायरी। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेथड जो है मोस्ट सुटेबल है जब फील्ड ऑफ इंक्वायरी जो है वो वेरी वाइड होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा यहाँ पे फ़ायदा यह है कि जब रिस्पोंडेंट जो है वो एसोसिएट होता है इंक्वायरी के साथ जिसके, मतलब कि हम उस तक नहीं पहुँच सकते हैं, तब ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा काम आएगी क्योंकि उसका डेटा कलेक्ट करने में, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ये वाली मेथड ज़्यादा रिलेवेंट रहने वाली है। तीसरा फ़ायदा यह है कि इसमें कोई जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है जो भी इसमें या तो टाइम इन्वॉल्व होता है वो कम रहने वाला है और एनर्जी भी इसमें कम वेस्ट होगी एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे जब इंडिविजुअल है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको जो टास्क दिया गया था कि भाई आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, प्रीजुडिशियस इंफॉर्मेशन है या बायस एटीट्यूड की है, तब ये मेथड जो है वो भरोसे के लायक कम रहने वाली है, मतलब कि इतना ज़्यादा हम भरोसा इस मेथड से जो डेटा मिलता है उस पर नहीं कर सकते और ये मेथड जो है यूज़लेस बन जाती है जब
थर्ड पार्टी जिसको जिससे हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं, अगर वो पर्सन ही ऐसा डिसऑनेस्ट रहेगा, इनफिशियंट रहेगा या तो अनेबल रहेगा करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो फिर ये मेथड जो है किसी काम की रहती नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मेथड क्वेश्चनरीज। तो यहाँ पे जो है लॉजिकली क्वेश्चन की जो है लिस्ट बनी होती है, जिसको जिस सब्जेक्ट की हमें स्टडी करनी है उसके रिलेवेंट जो हम स्टडी बनाई जाती है और उसके हिसाब से उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेस दी जाती है जिससे क्वेश्चन का आंसर उसमें हम लिख सकें या बता सकें। तो इस तरह से जो क्वेश्चन रहने वाला इसका लिस्ट है उसी तरह से बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चनरीज। और मेथड जो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन या तो डेटा कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनरी मेथड से, तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज। यहाँ पे दो टाइप से हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चनरी के द्वारा, वो है बाय पोस्ट एंड बाय एनुमरेटर्स। तो यहाँ पे पार्ट टू जो है खत्म होता है, पार्ट थ्री जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ओके, एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।